हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद अर्शी। आज हम फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं फ्रैक्शंस होते क्या है। जब हम दो डिजिट को ऐसे लाइन खींचकर ऊपर नीचे लिख देते हैं तो इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। इसमें ऊपर वाले को कहते हैं नॉमिनेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखते हैं फ्रैक्शंस का। तो हमारे पास दो तरीके के सवाल आ सकते हैं, जिसमें सेम डिनोमिनेटर हो और दूसरे जिसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर हो। तो पहले देखते हैं सेम डिनोमिनेटर वाले। जैसे हमारे पास 1/4, 6/4, इनके डिनोमिनेटर क्या है, दोनों के सेम। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को तो ऐसे ही लिख देंगे और नोमिनेटर को प्लस कर देंगे। क्या हो जाएगा, 6 और 1 7/4। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। जैसे एक और क्वेश्चन है सेम डिनोमिनेटर वाला। अब इसमें दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, 6। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो इनको तो ऐसे लिख लेंगे 6, ऊपर लिख लेंगे 2+8। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 8 और 2 कितने हो जाएंगे, 10/6। अब ये दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, जैसे 2 5 10, 2 3 6। तो हमारा क्या आएगा आंसर, 5/3। हमें आंसर में ये चेक करना होगा कि ये किसी ये दोनों सेम टेबल से डिवाइड तो नहीं हो रहा है। अगर ये सेम टेबल से डिवाइड होंगे तो हमें डिवाइड कर आंसर देना होगा। नेक्स्ट हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं हो। तो हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा। तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इसके लिए पहले दो लाइन खींच लेते हैं ऐसे और दोनों डिजिट को यहां लिख लेते हैं। अब हमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ढूंढना होगा इनका, क्या होगा, 2। 2 2 4, 2 3 6। अब फिर से सबसे छोटा मल्टीपल ढूंढना होगा तो क्या होगा, 2। तो 2 1 2, 3 तो नहीं होगा 2 से, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। अब क्या होगा, 2 से तो इन दोनों में से कोई डिवाइड नहीं होगा तो हम लेंगे 3। तो 1 तो ऐसे ही रहेगा, 3 1 3। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 × 2 × 3। तो क्या हो जाएगा, 2 2 4, 4 3 12। तो 4 और 6 का एलसीएम आ गया हमारे पास 12। तो हम क्या करेंगे, 12 को यहाँ लिख लेंगे दोनों का सेम डिनोमिनेटर करके। अब हमें 12 को पहले 4 से डिवाइड करना होगा, फिर 6 से डिवाइड करना होगा। तो जब हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 12, तो हमारे पास आएगा 3। तो 3 को क्या करना होगा, नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, 3 × 3, फिर प्लस। अब क्या करना होगा, 12 को 6 से डिवाइड करना होगा। तो जब 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 2 12। तो 2 की क्या कर देंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, 3 3 9 प्लस 2 4 2 2 4 12। तो 9 और 4 कितने हो जाएंगे, 13/12। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना सीखते हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। तो इसमें तो कुछ करना नहीं होता, डिनोमिनेटर को एक साथ करके लिख लीजिए और ऊपर वालों को माइनस कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, 3 − 1 2/4। अब क्या है, ये दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं तो इनको काट देंगे, 2 1 2, 2 2 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। अब नेक्स्ट है ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनमें डिनोमिनेटर सेम ना हो। तो अब हमें इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए लाइन खींच लेंगे, दोनों डिजिट को यहां लिख लेंगे। अब हमें सेम मल्टीपल ढूंढना है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। तो किससे होंगे ये दोनों डिवाइड, 5 से। 5 + 5, 5 3 = 15। नेक्स्ट क्या होगा, कॉमन मल्टीपल इनका 3। तो 1 तो ऐसे रहेगा, 3 1 3। तो एलसीएम क्या आ गया है हमारे पास, 5 × 3 = 15। अब जैसे पहले किया था ऐसे ही इसमें करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे। अब इस डिनोमिनेटर को इस वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 3 = 15। जो ये आंसर आएगा इसको हमें नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करनी होगी। 4 से क्या कर देंगे, 3 की मल्टीप्लाई, −2। जब 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1, और 1 की कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, 3 4 12 −2/15। जब 12 में से 2 जाएगा तो बचेगा 10/15। अब हमारा आंसर यही नहीं होगा। अब हम ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, 5 के टेबल में। तो अब इनको हम कैंसिल कर देते हैं, 5 2 10, 5 3 15। तो हमारा आंसर होगा 2/3। फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। तो मल्टीप्लाई करना तो बहुत इजी होता है, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से कर देते हैं और नीचे वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले से, यानी नॉमिनेटर की नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया, 4 1 4,
फाइव फोर जा 20, तो अब ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये दोनों 4 के टेबल में आ रहे हैं। 4 वन जा 4, 4 फाइव जा 20, तो हमारा आंसर होगा 1/5। जिसे नेक्स्ट है 3/4 1/2 की मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे, नॉमिनेटर की नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 3 1 जा 3, 4 2 जा 8। अब इनका कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है तो यही हमारा आंसर हो गया। अब हम फ्रैक्शंस को डिवाइड करना सीखते हैं। एक्चुअल में हम फ्रैक्शंस को डिवाइड नहीं करते हैं बल्कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब भी हमें डिवाइड का साइन दिखेगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पहले वाले को तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाकर नेक्स्ट वाले को उल्टा कर देंगे। मतलब 3/4 था तो हम कर देंगे 4/3, तो क्या हो गया 4/6। तो अभी क्या है, ये दोनों 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब हमारे पास क्या होगा इसका आंसर 2/3। जैसे है 3/2 4/5, तो हम क्या करेंगे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इनका, पहले वाले को तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे, डिवाइड की जगह साइन कर देंगे मल्टीप्लाई का, 4/5 को कर देंगे 5/4, तो क्या हो जाएगा 3 5 जा 15, 2 4 जा 8। तो अब इनका तो कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। अगर अच्छे से समझ आ गई हो फ्रैक्शंस तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।